तो साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स की बात हो रही है, तो उनका हम फॉर्मूला डाल देते हैं इसमें। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, बोले तो 2 cos² x और e टू पावर x dx। इसको हम स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको f(x) + f'(x) के फॉर्म में लिखा जाए। ये डिनोमिनेटर पहले टर्म के नीचे आया, प्लस 2 sin x cos x, और इसके नीचे भी हमने डिनोमिनेटर रख दिया। अब ये जो e टू पावर x था ना, ये तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको ध्यान से देखें तो ये 1 cos बचता है, जो कि हो गया sec²x, प्लस यहाँ भी हमारा cos कटता हुआ दिख रहा है ना। अच्छा, ये 2 cos² x होता था, 2 cos² x है ना, ये 2 और 2 कैंसिल, ये स्क्वायर से ये cos x, यहाँ बचता है 10x। क्या होगा, आपको fx और f'x दोनों दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहीं पे आंसर आप लिख सकते हो। दैट इज इक्वल टू e टू पावर x एफ एक्स, एक्स आपका है 10x सी, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x f(x) + f'(x) dx। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना होता है तो ये आता है e टू पावर x(f(x) + c। यहाँ पे हमारा f(x) क्या है वो दिखा देंगे। f(x) हमारा 10x है, और f(x) क्या आया था, 10x का डेरिवेटिव, जो कि sec²x